जय दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतुल टेक बाजार। रिसेंटली दोस्तों लॉन्च कर दिया Realme 12X 5G डिवाइस। प्रीमियम बैक डिजाइन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। 7.69 इंचेस की अल्ट्रा सिम बॉडी भी इसमें मिल जाती है। 6.72 इंचेस का FHD प्लस 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है। 45 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग मिल जाती है Dimensity 6100 प्लस प्रोसेसर के साथ में तो आता ही है। सेगमेंट का पहला ऐसा मोबाइल है जो इस प्राइस सेगमेंट में VC कूलिंग फीचर के साथ में आता है। गेमिंग वगैरह आप कर रहे हो तो ज्यादा हीटअप देखने को नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ में आता है। 950 निट्स पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट इसमें मिल जाता है। I54 रेटिंग के साथ में आता है। एडजस्टर वाला वो भी इस डिवाइस में प्रोवाइड किया गया। पैर में डुअल कैमरा सेटअप प्रोवाइड किया गया जिसमें प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल AI सेंसर है एंड सेकेंडरी यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर प्रोवाइड किया गया है। वैसे सेल्फी के लिए इस मोबाइल में 8 मेगापिक्सल का कैमरा प्रोवाइड किया गया है। लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 और Realme UI 5.0 स्टेबल अपडेट के साथ आउट ऑफ द बॉक्स ये मोबाइल आता है। इस मोबाइल में MediaTek Dimensity 6100 प्लस वाला 6nm ऑक्टाकोर प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है। इसका सेगमेंट में काफी कैपेबल प्रोसेसर है। गेमिंग मल्टीटास्किंग काफी बढ़िया तरीके से कर लेता है। एंटी बेंचमार्क स्कोर अब 4 लाख देखने को मिलता है। 5000mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई है और इस प्राइस सेगमेंट में एंड्रॉइड 12 के आपको 45W की सुपर बुक चार्जिंग प्रोवाइड की गई है। इस वीडियो में दोस्तों इस मोबाइल का हम PUBG BGMI गेमिंग टेस्ट आपके लिए लेके आ गए, साथ में एक बैटरी ड्रेनिंग टेस्ट भी होने वाला है। देखते हैं Dimensity 6100 प्लस वाला प्रोसेसर कैसा परफॉर्मेंस देता है। तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा Realme 12X 5G डिवाइस। गेमिंग करने से पहले बता दें आप फुल ब्राइटनेस पे हम गेमिंग करने वाले हैं। हाई रिफ्रेश रेट जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है इसी पे हम गेमिंग करने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों बैटरी देख सकते हो 80% और टेम्परेचर 36°C यहाँ पे है। फटाफट से गेमिंग को स्टार्ट करते हैं BGMI को और टाइमर को भी हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों टोटल हाफ आवर की गेमिंग हम यहाँ पे करने वाले। गेम स्पेस के लेटेस्ट वर्जन का सपोर्ट मिलता है जिसमें फ्री फायर BGMI जैसे गेमिंग के लिए वॉइस चेंजिंग का ऑप्शन मिल जाता है। सिस्टम स्टेटस का ऑप्शन मिलता है जिसे हम ऑलवेज यहाँ पे ऑन रखेंगे। सेंटर पे आप देख सकते हो FPS CPU GPU का यहाँ पे आपको स्कोर देखने को मिल जाएगा। ग्राफिक्स देख सकते हो स्मूथ के साथ अल्ट्रा, बैलेंस के साथ अल्ट्रा, HD के साथ हाई का ऑप्शन मिलता है, HDR का ऑप्शन नहीं मिलता है। स्मूथ के साथ अल्ट्रा गेमिंग हम करेंगे, मैक्स टू मैक्स 40fps गेमिंग का यहाँ पे ऑप्शन में आपको मिल जाता है। साथ ही में जायरोस्कोप के साथ साथ रिवर्स जायरोस्कोप का भी सपोर्ट मिलता है। कैसे हालचाल है सारी कुछ जानकारी डिटेल में मिलेगी। 12,000 रुपये में डील स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं। गेमिंग का मजा काफ़ी तगड़ा होने वाला है। सबसे पहले हम यहाँ पे 10 मिनट TDM गेमिंग करने वाले हैं और काफ़ी बढ़िया यहाँ पे आपको डिस्प्ले भी मिल जाता है। 950 निट्स ब्राइटनेस के साथ में आता है। सबसे पहले स्टार्ट हमने यहाँ पे कर दिया और सबसे पहले जायरोस्कोप का हालचाल आपको दिखा दे। काफ़ी अच्छा यहाँ पे अभी जायरोस्कोप वर्क कर रहा है। प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देखें तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस जायरोस्कोप में मिल जाता है। अभी हमने स्टार्ट किया है और लास्ट तक हम आपको समय समय पर जायरोस्कोप के हालचाल बताते रहेंगे। FPS मीटर भी आप सेंटर पे चेक कर सकते हो। जस्ट स्टार्टिंग ही किया है 40, 39, 38 के नीचे तो फ्रेम ड्रॉप यहाँ पे अभी नहीं मिले हैं। परफॉर्मेंस भी यहाँ पे अभी ठीक ठाक ही मिल रहा है। इस प्राइस सेगमेंट में अभी तक ये जो मोबाइल है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मोबाइल है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पेक्स इसमें एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। IP54 रेटिंग मिल जाती है, एडजस्टर वाले फीचर मिल जाते हैं एंड देन दोस्तों यहाँ पे डुअल स्पीकर के साथ में तो ये मोबाइल आता ही है। यहाँ पे दोस्तों आपको गेमिंग के लिए काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर मिल जाता है। इस प्राइस सेगमेंट में Dimensity 6100 प्लस वाला 6nm ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है। प्लस यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इस प्राइस सेगमेंट में आपको VC कूलिंग का सपोर्ट मिलता है जो कि अभी तक कोई भी मोबाइल में प्रोवाइड नहीं किया गया है। इसका बेस वेरिएंट 464 जो है वो 10,000 में आता है और 11,000 में 6GB 128। तो 6GB 128 मेरे हिसाब से लेना ठीक रहेगा। VC कूलिंग का फ़ायदा ये हो जाता है कि यहाँ पे गेमिंग अगर आप कर रहे हो तो हीटअप देखने को मिल सकता है इस तरह के तगड़े गेम कर रहे हो, बट यहाँ पे VC कूलिंग के सपोर्ट से जो है मोबाइल ज़्यादा हीटअप नहीं होता है, परफॉर्मेंस भी डिग्रेड नहीं होता एंड लैग फ्रेम ड्रॉप का कोई भी इशू आपको दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 मिनट हो चुके हैं तो तगड़ी गेमिंग ये मोबाइल कर रहा है और इसी तरह से आप इस मोबाइल के साथ विक्ट्री भी पा सकते हैं इस तरह से कुछ। तो फिलहाल दोस्तों परफॉर्मेंस अभी तक का काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है। फिर से हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया और अगेन से सेंटर में आप देख सकते हो FPS जो है काफ़ी बढ़िया वर्क कर रहा है। देन यहाँ पे जो जायरो है, जायरो भी स्टिल यहाँ पे काफ़ी बढ़िया वर्क कर रहा है। कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं कि जब हीटअप होते हैं या फिर जब टाइमिंग ज़्यादा आप खेल रहे हो मोबाइल तो यहाँ पे थोड़ा परफॉर्मेंस डिग्रेड देखने को मिलता है, बट ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारे 11 मिनट के आसपास की गेमिंग हो चुकी है और स्टिल यार परफॉर्मेंस में कोई भी यहाँ पे लैग फ्रेम ड्रॉप नहीं मिला है। इस प्राइस सेगमेंट में काफ़ी डिसेंट मोबाइल है।
अगर हम यहाँ पे बैटरी देखें तो 3% बैटरी ड्रेन होती है अगर 10 मिनट की गेमिंग करते हैं और टेम्परेचर 43 पे पहुँच जाए, तो टेम्परेचर थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा है। आगे और भी हम टेम्परेचर के हालचाल बताएंगे, बट यहाँ पे ड्यूल स्पीकर है, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस देते हैं। प्लस यहाँ पे जो डिस्प्ले है ये भी ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है गेमिंग का काफ़ी तगड़ा बनाए रखता है। यहाँ पे एरेंगल गेमिंग करने वाले हैं उससे पहले अगेन से हम आपको दिखा दें, यहाँ पे आप देख सकते हो जायरो भी काफ़ी बढ़िया वर्क कर रहा है और एफपीएस भी आप सेंटर में देख सकते हो। ट्राई करने पे भी यहाँ पे काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस होता है, ऐसा लगता है कि भी आप प्रीमियम टाइप का मोबाइल यूज़ कर रहे हो जिसके SOS काफ़ी तगड़े हैं। तो यहाँ पे Dimensity 6100 प्लस वाला जो प्रोसेसर है काफ़ी कैपेबल प्रोसेसर है, इस प्राइस सेगमेंट में ये काफ़ी पॉपुलर प्रोसेसर भी हम इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सेंटर में अगेन से आप देख सकते हो FPS और यहाँ पे 16-17 मिनट हो चुके हैं, जायरो भी स्टिल काफ़ी तगड़ा वर्क कर रहे हैं। समय समय पे जायरो की हालचाल हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जायरो स्कोप का ज़्यादा डिमांड रहता है, भैया जायरो कैसा वर्क कर रहा है, तो इस मोबाइल का जायरो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि काफ़ी तगड़ा वर्क कर रहा है क्योंकि स्टिल यहाँ पे 19-20 मिनट के आसपास हो चुका है और ये जो मोबाइल है अभी भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। मुझे यहाँ पे अभी तक फील नहीं हुआ है कोई भी लैग फ्रेम ड्रॉप, और जो आप अगेन से यहाँ पे देख सकते हो जायरो हम हर 5-10 मिनट में आपको जायरो के हालचाल बता रहे हैं, काफ़ी बढ़िया तगड़े तरीके से ये वर्क कर रहा है, कोई भी इशू अभी तक फील नहीं हुआ है, लैग फ्रेम ड्रॉप का दूर तक इशू नहीं मिला है। एक तरह से दोस्तों परफॉर्मेंस के साथ साथ ये बैटरी ड्रेनिंग टेस्ट भी है, हाफ आवर में कितनी बैटरी ड्रेन होती है ये भी हम आपको बताएंगे। बट चार्जिंग यहाँ पे काफ़ी तगड़ी मिल जाती है, 45 वाट का यहाँ पे सुपर वूक चार्जर प्रोवाइड किया गया है, 10-11 हज़ार रुपये में आपको 45 वाट का चार्जर इतने सारे फीचर्स के साथ में नहीं मिलेगा इस तरह का कॉम्बिनेशन। तो इसका चार्जिंग टेस्ट भी हमने किया हुआ है, आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। अगर बैटरी ड्रेन भी होती है तो फटाफट से क्विकली आप 40 वाट सुपर वूक चार्जर से इसे चार्ज कर सकते हो। परफॉर्मेंस, बैटरी और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आपको फीचर्स मिल जाते हैं ये काफ़ी तगड़े हैं इस मोबाइल में, जो इस कॉम्बिनेशन को काफ़ी तगड़ा बनाते हैं। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे परफॉर्मेंस अभी तक काफ़ी सुपर डुपर मिला है, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाता है, तो इस तरह के गेमिंग को भी ये मोबाइल काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है। हाँ, बस 25 मिनट के आसपास हल्के फुल्के फ्रेम ड्रॉप हमें यहाँ पे फील हुए हैं, लेकिन नॉर्मल भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इतनी गेमिंग करने के बाद भी यहाँ पे हल्के फुल्के फ्रेम ड्रॉप ही मिलते हैं जो कि आपको प्रीमियम मोबाइल में भी फील हो सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस मिलता है इस मोबाइल का। यहाँ पे हमारे 30 मिनट लगभग हो चुके हैं, पर 30 मिनट के आगे भी हमने यहाँ पे खेला है क्योंकि हमने लेट स्टार्ट किया था। और यहाँ पे अगेन से गेम क्लोज करने से पहले आप देख सकते हो जायरो स्टिल अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है और फ्रेम ड्रॉप भी यहाँ पे नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे 32 मिनट अप्रॉक्सीमेटली हमने गेमिंग करी है और 73 पे बैटरी इसकी आ चुकी है, 39 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, तो 36 से 39 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हुआ है। इसका सबसे बड़ा यहाँ पे इंपैक्ट पड़ता है 3DVC कूलिंग सपोर्ट का, यहाँ पे बैटरी कम ड्रेन होती है, हीटअप कम होता है तो परफॉर्मेंस भी डिग्रेड नहीं होता। ओवरऑल यहाँ पे हाफ आवर में 7% बैटरी ड्रेन होती है, जो परफॉर्मेंस हम यहाँ पे काफ़ी डिसेंट बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग करी थी और साथ में ब्राइटनेस भी फुल कर रखी थी। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो मोबाइल है काफ़ी तगड़ा मोबाइल है, इस प्राइस सेगमेंट 11-12 हज़ार रुपये में आप अगर कोई गेमिंग मोबाइल लेना चाहते हो जिसमें आपको अच्छी चार्जिंग मिल जाए, अच्छा डिस्प्ले मिल जाए, बढ़िया बैटरी परफॉर्मेंस के साथ साथ बढ़िया कैमरा भी मिल जाए, तो डेफिनेटली आप इस मोबाइल के साथ जा सकते हैं अगर इस प्राइस सेगमेंट में आप कोई मोबाइल लेने की सोच रहे हो। वैसे इस डिवाइस के रिगार्डिंग हमने डीप रिव्यू वीडियो भी चैनल पे बनाया है, परचेसिंग के पहले आप वो वीडियो भी देख सकते हो और इसका चार्जिंग टेस्ट भी किया हुआ है। चैनल पे और भी अपकमिंग इस मोबाइल के रिगार्डिंग वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, कंपैरिजन वीडियोस मिलते रहेंगे और इसका कैमरा टेस्ट भी बहुत जल्दी हम चैनल पे अवेलेबल करा देंगे। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है सिंपली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बोलते रहिए वंदे मातरम।